नमस्कार, 19 की 19 कहानियां लेकर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। आजकल खबर और अफवाह में फर्क करना मुश्किल हो गया है। अफवाहों के शोर में दरअसल सच्ची खबरें कई बार खो जाती हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें सबसे सटीक खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। न सिर्फ खबर पहुंचाएंगे, उसके पीछे की खबर, किस खबर का कितना महत्व है, कौन सी खबर आपके और आपके परिवार के लिए जरूरी है, ये सब कुछ हम आपको समझाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे कल एंटी टैंक मिसाइल नाथ पाकिस्तान को करेगा नाथ, कैसे भारत से लेकर अमेरिका तक बाढ़ ने मचाई है तबाही। लेकिन 19 की 19 कहानियों की शुरुआत बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए सुरक्षा ढाल बन रहे जवानों की खबर के साथ करते हैं। जी हाँ, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ जाने वाले भक्तों की यात्रा आसान नहीं होती, ये हम और आप सब जानते हैं। आतंकी हमलों की आशंका तो रहती ही है, साथ साथ मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। लेकिन इस बार इन भक्तों के लिए आईटीबीपी के जवान देवदूत बनकर सामने खड़े हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए आईटीबीपी के जवान देवदूत साबित हो रहे हैं। देश के ये वीर जवान अपनी जान पर खेलकर इन श्रद्धालुओं की न सिर्फ रक्षा कर रहे हैं बल्कि उनके दिलों में आस्था को और मजबूत कर रहे हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के बालटाल इलाके की हैं। बालटाल रूट पर काली माता पॉइंट के पास ऊंची पहाड़ी वाला इलाका है जहाँ से श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ता है। इसी रूट पर जब ऊपर पहाड़ी से पानी और पत्थर गिरने लगे तो आईटीबीपी के जवान ढाल बनकर खड़े हो गए ताकि किसी श्रद्धालु को चोट ना लग सके। भारत तिब्बत बॉर्डर के पुलिस के जवान हर तरह से अमरनाथ श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। जहां श्रद्धालुओं को सांस लेने में तकलीफ हो रही है वहां जवानों ने उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराई है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत के बाद कई श्रद्धालुओं की इन जवानों ने मदद की। इससे पहले भी आईटीबीपी जवानों की ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं। शनिवार को भी बालटाल में आईटीबीपी के जवानों ने कई जिंदगी बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ब्रिज के पास अचानक तेजी से पहाड़ों से पानी आने पर श्रद्धालु दूसरी तरफ फंस गए। आईटीबीपी के जवानों ने बिना देरी किए तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना ये जवान दौड़ दौड़ कर ब्रिज से श्रद्धालुओं को दूसरी तरफ किनारे निकालते रहे। अमरनाथ यात्रा का जिम्मा लेने के बाद पहली बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ट्रांजिट कैंप बनाए हैं। ट्रांजिट कैंप श्रीनगर के पंथा चौक HMT जकूरा में बनाए गए हैं। ट्रांजिट कैंप में तीर्थयात्रियों को सभी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो इन शिविरों में घर जैसा महसूस करें। पूरे कश्मीर में कुल 12 जगहों पर ऐसे ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं। इन शिविरों में 10,000 से अधिक अमरनाथ यात्रियों को रखा जा सकता है। अमरनाथ यात्रा पूरे एक दिन स्थगित रहने के बाद आज जम्मू से फिर शुरू हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच 5,964 श्रद्धालुओं का जत्था भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। 1 जुलाई को कांदबल जिले के बालटाल और अनंतनाग जिले के पहलगाम मार्गों से शुरू हुई यात्रा में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या सोमवार को 1,00,000 से ऊपर हो गई। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 बंद कर दिया गया। बालटाल मार्ग के यात्री मागेरकोट और पंथलियाल के बीच फंसे हैं। पहलगाम मार्ग के यात्री नाशरी और राबन के बीच फंसे हुए हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बर्फीले पहाड़ों पर सीमा की सुरक्षा करने में एक्सपर्ट इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए ढाल बन रही है। जवान बाबा अमरनाथ की गुफा के निकट ग्लेशियर पर बर्फ से निपटने में यात्रियों की मदद कर रहे हैं। अमरनाथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आपको यहाँ पर समझना है कि 5,000 से ज्यादा आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। इस बार जवानों को बेसिक पैरामेडिकल की ट्रेनिंग भी दी गई है। यात्रियों की मदद के लिए बेसिक पैरामेडिकल की ट्रेनिंग दिए जाने से आईटीबीपी जवानों को मेडिकल किट और ऑक्सीजन सिलेंडर के इस्तेमाल की भी जानकारी है और ये यात्रियों से डील करने में काफी कारगर साबित हो रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक तरफ बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए भारी भीड़ जुट रही है तो दूसरी तरफ बारिश आफत बन गई है।
और न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वॉशिंगटन, वर्जीनिया, कोलंबिया में सबसे खराब हालात हैं, तो वहीं बिहार में पटना के अस्पताल में तो मछलियां तैर रही। अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन कुदरत के आगे वो भी बेबस है। ये तस्वीरें अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। वॉशिंगटन, वर्जीनिया और कोलंबिया में सोमवार को तेज बारिश के बाद सड़कों पर नहर की तरह पानी बहने लगा। यहां एक घंटे के अंदर 3.3 इंच पानी बरसा। जॉर्ज वॉशिंगटन पार्कवे के एक क्षेत्र को पानी भर जाने के कारण बंद कर दिया गया। मेट्रो स्टेशन में भी पानी भर गया। मौसम विभाग ने मेट्रो क्षेत्र में आपातकाल घोषित कर दिया है। भारी बारिश के बाद दक्षिण वॉशिंगटन में ट्रेन सेवा रद्द करनी पड़ी। बिहार की राजधानी पटना समेत दूसरे जिले आफत की बारिश से बेहाल है, लेकिन जरा पटना के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज यानी कि NMCH की तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद वार्ड्स में पानी भर गया। जहां मरीजों का इलाज हो रहा है, वहां मछलियां तैर रही। बारिश हुआ है, उसके बाद पानी अंदर नाला से निकलने लगा है। वार्ड में वार्ड महिला अभी पानी निकलने लगा। पानी निकलने के बाद उसे मछली आने लगा। मछली आने के बाद फिर मरीज के पास तैरने लगा है, इधर उधर भागने लगा है। बारिश के बाद मेडिसिन विभाग में भी पानी भर गया। मरीज और उनके रिश्तेदार वार्ड में गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर है। मरीजों का इलाज भी पानी के बीच ही हो रहा है। उधर देहरादून में बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। जगह जगह पानी भरने की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। सबसे बुरा हाल सड़कों का है। मानसून की पहली बारिश हुई है और नगर निगम की जो तैयारियां थी उसकी पोल खोल कर रख दिया है। नगर निगम ने दावा किया था कि पूरी तरह से तैयारियां हैं, जलभराव जैसी स्थिति नहीं होनी पाएगी। जिस तरह से सड़कों पर पानी भरा है, इससे साफ है कि नगर निगम की जो तैयारियां थी वो नाकाम साबित हो रही है। और अमेरिका से आपको वापस लेकर आते हैं हिंदुस्तान। केंद्र सरकार ने बहुत अहम जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया कि सीमा पार से घुसपैठ में कमी आई है और ये संभव हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पैदा हुए हालात से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक से हालात बदले, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घुसपैठ में कमी आई है। 2018 की तुलना में 2019 के शुरुआती छह महीनों की बात करें तो घुसपैठ में 43% कमी आई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भी बताया कि सुरक्षा बलों की कोशिशों के चलते जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं। आतंकी हमलों में 28% की कमी है। आतंकी गुटों में स्थानीय युवकों की भर्ती में 40% की कमी है। वहीं आतंकियों के सफाए में 22% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि उनकी सरकार ने आतंकवाद से निपटने का तरीका बदला और पाकिस्तान में इसकी जड़ों पर हमला कर रही है मोदी सरकार। आतंकवादियों के ऊपर मोदी जी के सुशासन का और सर्जिकल स्ट्राइक का आतंक हुआ है, इसलिए आतंकवाद तो कम होगा ही। देख के तो कहीं नहीं लग रहा है कि कोई आतंकवाद में कमी आई है। अब उनके पास कहां से कौन सी रिपोर्ट है वो खुलासा करें, तब हम लोगों को पता चले कि उन्होंने ये कैसे निकाला है। और पार्लियामेंट से आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक। वहां सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अब इसमें नया पेज फंस गया है। आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ये कह रहे हैं कि 13 में से 8 विधायकों के इस्तीफे कानून के मुताबिक नहीं है। इस मुद्दे पर आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर हंगामा हुआ। कांग्रेस कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार को बचाने की कवायद में जुटी है। सोनिया गांधी के कहने पर गुलाम नबी आजाद को बेंगलुरु भेजा गया है। वहीं कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायकों ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिद्धारमैया झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी ने कोई पैसा नहीं दिया है। कांग्रेस के बागी विधायकों का कहना है कि हमने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस से नहीं। कर्नाटक की जनता भी इस गठबंधन सरकार को नहीं चाहती। क्राइसिस चलने का टाइम, सभी दुखी का टाइम सीएम फौरन गया है। किसी हमारा MLA को पूरा कर्नाटका गवर्नमेंट को बुला के मीटिंग भी नहीं किया उन्होंने, अपना मर्जी से फौरन चले गया है। हम लोग क्या करें, डे बाय डे वर्क रुका हुआ था, हम लोग का काम नहीं हो रहा था, किसी दुखी लोग का काम नहीं कर पा रहा था, तो क्या करेंगे हम लोग।
कर्नाटक में अब तक 31 मंत्री सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। सरकार पर संकट के बावजूद सीएम कुमारस्वामी ने सरकार सुरक्षित होने का दावा किया है। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के.आर. रमेश ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है कि 13 विधायकों में से 8 इस्तीफे नियम के मुताबिक नहीं है। स्पीकर का कहना है कि किसी भी विधायक ने मुझसे मुलाकात नहीं की, विधायकों ने इस्तीफे कानून के मुताबिक नहीं दिए। स्पीकर के.आर. रमेश ने कहा कि गवर्नर ने भरोसा दिलाया है कि वो संविधान के मुताबिक ही चलेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने स्पीकर से बागी विधायकों पर कार्रवाई के लिए आग्रह किया है। कर्नाटक के मुद्दे पर आज लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। हम अभी कर्नाटक ले रहे हैं, इसके बाद हम मध्य प्रदेश लेंगे। ये शिकार की राजनीति, पोचिंग पॉलिटिक्स हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये पोचिंग पॉलिटिक्स को बंद करना चाहिए, इसी के लिए हम सदन में आए हैं। ये सत्तारूढ़ पार्टी का नीति और नियत पे हिंदुस्तान के आम लोगों की बिल्कुल भरोसा नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्नाटक में जो हो रहा है वो कांग्रेस का अपने घर का मामला है और ये अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं। यह सच है, कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है यह कांग्रेस के अपने घर का यह मामला है, लेकिन अपने घर को अपने हाउस में यह संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट के इस लोअर हाउस को डिस्टर्ब करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता, यही मैं कहना चाहता हूं। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को अपने क्षेत्र में पदयात्रा निकालने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांधी जयंती से पटेल जयंती तक सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 150 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इसके लिए अलग अलग ग्रुप बनेंगे और सांसद एक दिन एक ग्रुप के साथ पदयात्रा करेंगे। इसमें बीजेपी विधायक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। रोज 15 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और सभी बूथ कवर करेंगे। राज्यसभा सांसदों को भी संसदीय क्षेत्र अलॉट होगा। पदयात्रा के माध्यम से गांधी जी के विचारों, शिक्षाओं का प्रचार और वृक्षारोपण करेंगे। हर रोज 15 किलोमीटर पदयात्रा, इसमें हर बूथ को कवर करना, ये सभी जो ग्रुप हम बना रहे हैं, ग्रुप में कम से कम एक दिन स्वयं एमपी उधर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर विवाद पर जल्द सुनवाई के संकेत दिए हैं। इस मामले में हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद को सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दाखिल करने की इजाजत दे दी है। पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा ने सीजीआई के सामने कहा कि मध्यस्थता के पहले राउंड में कोई प्रगति नहीं दिखाई दी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करे और विवाद का निपटारा करे। चीफ जस्टिस ने पक्षकार को अर्जी दायर करने के लिए कहा और कहा कि इस मांग पर विचार करेंगे। गोपाल सिंह ने अर्जी दाखिल भी कर दी है। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस खलीफुल्ला कमेटी मध्यस्थता को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। कोर्ट ने कमेटी से अपनी रिपोर्ट विस्तार से सौंपने को कहा था। अब खबर सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से जुड़ी हुई। झारखंड में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले ने तूल पकड़ा है। विवाद के बाद टिकटॉक वीडियो को हटा दिया गया है। टिकटॉक इंडिया ये कह रहा है कि वीडियो गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसे हटाया गया है और आगे भी टिकटॉक इंडिया ऐसे वीडियोस के खिलाफ एक्शन जारी रखेगा। दरअसल टिकटॉक पर 5 युवकों ने भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में तबरेज की मौत का बदला लेने की बात कही गई थी। मुंबई पुलिस ने वीडियो बनाने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया है। हो सकता है 2 महीने 4 महीने साल भर का समय लगे, लेकिन उन ताकतों को पराजित होना पड़ेगा जो इस देश में तफरका फैलाना चाहते हैं। इन्होंने जानबूझ के एक चोर की कहानी को बना दिया है एज मॉब लिंचिंग की कहानी, बिकॉज ये माइनॉरिटी क्लास को बिलोंग करते थे। यू कैन नॉट प्ले दिस डर्टी कार्ड जस्ट बिकॉज आप सेलिब्रिटी हैं और आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के साथ एक और बड़ा नाम जुड़ गया है और ये बता दें, ये बड़ा नाम है नाग। टियांकल एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ। नाग मिसाइल की खासियत अब आपको समझनी है। जमीन से जमीन तक 4 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। हवा से जमीन तक 7 किलोमीटर की मारक क्षमता ये रखता है।
मिसाइल हमले से बचने की टेक्नोलॉजी भी इसमें मौजूद है। साथ ही टारगेट तक पहुंचने की एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी से ये लैस है। नाग मिसाइल 4 किलोमीटर की दूरी 16 सेकंड्स में तय करती है। 1.8 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन है 43 किलोग्राम। डीआरडीओ ने सिर्फ नाग मिसाइल ही नहीं, उसको ले जाने वाला वाहन भी तैयार किया है। तो इसी अच्छी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। उन्नीस की 19 कहानियों में अब खबर बिहार से। बुखार से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद गया में 7 दिनों में 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। इंसेफेलाइटिस से मौत की आशंका जताई है। बच्चों ने गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा। 2 जुलाई से अब तक 22 बच्चों को गया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गया के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वीके प्रसाद का कहना है यहाँ का मामला भी इंसेफेलाइटिस का हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। रुख मथुरा का करते हैं। बंदरों के आतंक से लोग खौफ ज्यादा है, ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाने वाले हैं। वृंदावन के गोविंद बाग क्षेत्र की ये सीसीटीवी फुटेज, जहां घर से निकलते ही बंदर लोगों पर हमला कर देते हैं। आप देख सकते हैं बंदरों ने कैसे एक युवक पर हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इससे पहले भी बंदर कई बार लोगों पर इसी तरह हमला कर चुके हैं। बंदरों के हमले में करीब 1 दर्जन यानी 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन का बंदरों के बढ़ रहे आतंक की तरफ कोई ध्यान नहीं। 19 की 19 कहानियों में फिलहाल इतना ही। जी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ।